गाइस, वेलकम टू टुडेज रीडिंग। आज हम वापस से करने वाले हैं रीडिंग, और आज की रीडिंग में आपको मैसेज मिलने वाला है यूनिवर्स से अबाउट योर करंट सिचुएशन। ठीक है, जो भी करंट सिचुएशन, जो भी चीज़ चल रही है लाइफ में, जिसके बारे में आज आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, नो यू सीक सम गाइडेंस और आंसर, तो मे बी इस रीडिंग के थ्रू आपको वो आंसर या वो गाइडेंस मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड फुल फेथ कि जो भी मैसेज मिलेगा, साइन मिलेगा, वो आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल रिलेट करेगा। ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंड के साथ आप इस रीडिंग को क्लेम करना, ठीक है, कॉमेंट करना, एंड जो भी आपको गाइडेंस मिलता है उसके ऊपर बिल्कुल एक्ट और इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि ये यू नो मैक्सिमम ऑफ द पर्सन पीपल ये हेल्प करती है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल इसको यू नो कंसिडर करना। ओके, तो मैं एक सिंगल कार्ड पिक करूँगी यहाँ पे। ओके, और जो भी मैसेज होगा, डिवाइन मैसेज, वो आज का आपका गाइडेंस होगा। ठीक है, तो थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, अबाउट योर पर्टिकुलर सिचुएशन जिसके बारे में आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो, करियर हो, कोई भी पर्सनल डिज़ायर हो। ठीक है, ऑलराइट, तो एक सिंगल कार्ड मैं निकाल रही हूँ, एंड लेट मी सी। तो देखिए, यहाँ पे हमको कार्ड मिला है नाइट ऑफ एयर। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, देखिए। ठीक है, आप क्लियर नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग, इसका जो मैसेज है वो आज बता रही हूँ। तो नाइट ऑफ एयर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ है ना, आपका जो फोकस है वो है ना सही जगह पे ही है, लेकिन आप है ना प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे, या शायद गलत एक्शन ले रहे हो, रिक्वायर्ड एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है, दिस इज़ द हाई टाइम। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है ना, कभी कभी ये क्या कार्ड क्या समझा रहा है पता है, बिल्कुल रिलेटेबल आपको आज मैसेज मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे यू नो डिफेंसिव इवेंट्स होते हैं ना लाइफ में, कि जिसकी वजह से वो आप उसका सामना करते हो, आप कहीं ना कहीं इट मेक्स यू यू नो मोर फास्टर इन योर लाइफ पाथ। तो यही चीज़ होती है, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है, कुछ भी ऐसे इवेंट, कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, कहीं ना कहीं इट इज़ मेक यू यू नो इट इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। ठीक है, कहीं ना कहीं, और आप बहुत ही एक ग्रेट स्पीड के साथ मूव करेंगे आगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको वो पुश कर रही है। तो ये चीज़ उनके पीछे, हम नहीं बोलते हर बुराई के पीछे कुछ भलाई छिपी रहती है, को तो वही चीज़ है कि जो भी सिचुएशन ना, उसके पीछे बिहाइंड कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए अच्छा छिपा हुआ है। ठीक है, तो यू नो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। एंड यहाँ पे देखिए, आपका जो भी लाइफ में ऑप्शन है, जैसे कि हम कोई डिसीजन लेते हैं बहुत बड़ा, तो हमारे पास कभी कभी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम सबके प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आप लाइफ के बारे में डिसीजन लेने वाले हो, उसके लिए आप यू नो दो बार सोचें, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें आप जिससे आपको फिर सफ़र करना पड़े। तो यही चीज़ यहाँ पे समझानी है। एंड आप है ना अपने इमोशनल स्टेट को, अपने जो मेंटल आपकी पीस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप कोई भी ये जैसे कि ओपन प्रेयर है, एफर्मेशन है, कोई भी टेक्निक कर सकते हो जिससे आपका इनर पीस या आपका सबकॉन्शियस माइंड वो यू नो शांत हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ भी ऐसा हो सकता है, इवन नाइट ऑफ एयर है वो सडन एंड यू नो अनएक्सपेक्टेड चेंज को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द यू नो चांसेस, यहाँ पे चांस बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो यू नो जस्ट बी रेडी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नेगेटिव चेंज आए, बहुत ही बिग पॉजिटिव चेंजेस आने के यहाँ पे पूरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए आपको बस आगे बढ़ते रहना है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा समझ के आपको गिव अप नहीं करना है और ना ही आपको दुखी होना है। जस्ट यू नो कीप गोइंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो आई रियली होप आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, ये मैसेज आपको रिलेट कर रहा होगा एंड आपको हेल्प मिली होगी इससे। ठीक है, तो बिल्कुल क्लेम करना इस रीडिंग को, बहुत ही डिवाइन मैसेज है, एंड बिल्कुल एक्ट करना इसके ऊपर। सो आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी, सो जस्ट कॉमेंट करिए, आई एम रेडी। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गुड वाइब्स टू ऑल।